क्या मतलब कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अयोध्या राम मंदिर इंडिया, जो कि इनोग्रेशन होने वाले 22 जनवरी को। सो बाय बाय, मैं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करूँ सबलगे सबे भले आसे और मैं भले आसो। आई फील प्राउड टू बी इंडियन, ऐसा मैंने क्यों कहा आप ज़रूर सोच रहे होंगे, क्योंकि हर एक इंडियन के लिए ये प्राउड मोमेंट ही है। हर किसी की जुबान में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या राम मंदिर को लेके ही। हाँ जी, आपने सही सुना है, अयोध्या राम मंदिर बहुत जल्दी इनोग्रेशन करने वाले हैं हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये बन रही है अयोध्या राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश। इवन दो आई एम क्रिश्चियन, एज ए इंडियन नागरिक हर किसी को जानने के हक है कि राम मंदिर जो बन रही है उसकी खासियत क्या है, और आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ और मैं भी जानती हूँ इसके बारे में। सो चलिए देखते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के द्वार हर भक्त के लिए खोल दिया जाएगा। हाइट है 161 फीट एंड साइड एरिया है 2.7 एकर्स, और हर राम भक्त के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये कोई लोहे से नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ स्टोन से बनाया हुआ है, और हर ईंट पे ना श्री राम लिखा हुआ है। और अब कोई तोड़ के दिखाए, क्योंकि ये 100 साल के बाद भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्या आपको पता है भगवान राम मंदिर की नींव रखने के लिए 2587 अलग अलग पवित्र स्थानों से मिट्टी लाया गया है? गोल्डन टेम्पल, हल्दीघाटी, झांसी, गंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ एक्सेट्रा। और भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाने के लिए 6 लाख पुरानी पत्थर नेपाल से लाया गया है। सो आप लोगों ने देखा बहुत ही अद्भुत अद्भुत फैक्ट्स अबाउट राम मंदिर। जरूर जाइएगा दर्शन के लिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा राम मंदिर बन रही है। सो ये राम मंदिर जब बन के आएगा, ये दुनिया की तीसरी बड़े मंदिर हिंदू मंदिर होंगे। सो आप लोग ज़रूर जाइएगा, जब इंडिया में रहूँगी मैं ज़रूर जाऊँगी। सो इंतज़ार करते हैं 22 जनवरी 2024, तब तक के लिए जय श्री राम।